डियर सर, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं ट्रिपल ए ख्वाजा बेस कांस पावर यूट्यूबियन से आपसे बुखार देखो। आज हमारा टॉपिक है डेविएशन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फार्मूला। अब ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की फार्मूला क्यों यूज होती है, क्योंकि देखो एक मिसाल के तौर पे हमें ये स्फीयर आपका, ये आपका स्फीयर है। अब स्फीयर को अगर मुझे वाइट पेपर उस पर लगाना है या कोई भी पेपर, येलो पेपर या ब्लू या कोई भी पेपर आप लगाना है, तो मुझे कितना पेपर चाहिए, तो मुझे सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी। तो सरफेस एरिया की मैं आपको फार्मूला जो ड्राइव करता हूँ ताकि आपको आसानी याद, बच्चे जो है स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो मैं आपको डेरी से सिखा रहा हूँ ताकि आपको ये आसान से याद हो जाए। आपको पता है कि सरफेस एरिया स्फीयर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब्ड। अब यहां क्या है डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम, तो आपको इसको g/dr रखना है। तो ये अब आपका ये डेरिवेशन फॉर्म में आ गया। अब आपको डेरिवेशन कैसी होती है, मिसाल के आपका हम अगर x का डेरिवेशन तो आप पढ़ चुके हैं g/dx ऑफ x^n, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n जो पावर है वो कोफिशिएंट जाता है और x सेम, और यहां हम एन माइनस वन करते हैं। इसी पैटर्न के साथ ये भी होगा, देखो यहाँ 4/3 और पाए, 4/3 और पाए ये आपके कांस्टेंट है। अब यहाँ देखो एक्स की जगह आर आ गया है, अब ये आर हम लिखेंगे, ये देखो यहाँ एन है, एन की जगह क्या आ गया यहाँ पे 3, और अब एन माइनस वन 3-1, अब ये 3 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा आपका 4πr², ये है आपकी सरफेस एरिया। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लिया है, लेकिन इसका भी डेरिवेशन है। वॉल्यूम का हमने क्या फार्मूला लिखा था, ये लिखा था। अब ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हम एंटी डेरिवेशन करेंगे, एंटी डेरिवेशन जिसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू एंटी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आपकी सरफेस एरिया क्या होती है, अभी हम ट्राई की 4πr² होता है, इंटीग्रेशन dr होता है। अब इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला होता है, x dx, ये क्या होता है x n+1/(n+1) या c आता है। अब इसी पैटर्न के हिसाब से देखो यहां 4π कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, बाकी आप क्या बचेगा, ये r² dr, क्या बचेगा r² dr। अब देखो इसी पैटर्न के हिसाब से ये देखो यहां n की जगह क्या है 2 है, तो आप 4π, अब इसकी जगह r है, r 2+1/ या 2+1 लिखोगे, तो यहां आपका ये 4π, ये आपका हो जाएगा r³/3, 2+1 3, तो आपका नेट आंसर क्या आया 4/3πr³। ये देखो आपका वॉल्यूम का फार्मूला आ गया। इसका मतलब ये डेरिवेशन एक दूसरे से हो जाती है,
अगर हमें वॉल्यूम का पता है तो हम स्पेयर का, अगर स्पेयर का वॉल्यूम का पता है तो हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, अगर हमें सरफेस एरिया का पता है तो हम उसका क्या वॉल्यूम आप इस पर निकाल सकते हैं फार्मूला। इंशाल्लाह ये आपकी मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।